नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में सभी साधकों का स्वागत है। आए दिन हर एक वीडियो में पुरुषों से संबंधित समस्या कमेंट में जरूर रहती है। गुप्त रोग, यौन रोग से संबंधित बातचीत भी लोग करना चाहते हैं, और ये इसीलिए है कि जिस तरह की लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं, जिस तरह से तनाव हमारे अंदर है, उसने हमारे हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर रखा है। रही सही कसर आज के मॉडर्न सोच ने भी डेवलप्ड किया है, और साथ ही साथ जो योग शास्त्र कहता है कि अपान वायु का डिस्टरबेंस ने गुप्त रोगियों की संख्या को बढ़ा दिया है, चाहे वो वीर्य का पतला हो जाना हो या यौन रोग से संबंधित, पुरुषों से संबंधित दूसरी बीमारियां। तो हम बस दो आसन बताने जा रहे हैं, उसी में प्राणायाम को इंक्लूड करेंगे। आप नियमित तल पे करें, और इस आसन को दीवार के सहारे कराया जा रहा है ताकि आप उसमें ज्यादा देर तक रुक सके, स्ट्रेच को फील करें और प्राण को वहां ज्यादा पहुंचाएं। जहां प्राण पहुंच गया वहां पे आप सब चीज को संतुलित कर लेते हैं। तो बिना वक्त गवाए पहला आसन जो हम करने जा रहे हैं वो देखेंगे, फिर आप दूसरे आसन की तरफ जाएंगे। पहले आसन में हम सेतु बंधा आसन करेंगे, ये एक तरह से वार्म भी करेगा और मजबूती भी देगा पैल्विक एरिया को। देखें, आप लेट जाएं, दोनों पांव के बीच में गैप रखें, हिप डिस्टेंस अपार्ट। ये सेतु बंध सर्वांग आसन की श्रेणी में आता है, तो सभी अंगों के लिए इंपैक्टफुल है। श्वास लेते हुए कमर को ऊपर करें, आप देख रहे हैं इंटरलॉक मैंने फिंगर को किया ताकि और लिफ्ट हो। तो नपुंसकता जो है पुरुषों में बांझ इस तरह की स्थिति, या महिलाओं में, या सेक्स ड्यूरेशन का कम होना, पेल्विक फ्लोर का कमजोर पड़ जाना जिसमें उसमें प्राण का स्पंदन नहीं होता है, तो इच्छाएं समाप्त हो रही है, गोनाड्स ग्लैंड है जो पुरुष सेक्स के लिए या महिला सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन तमाम चीजों को यह सेतु बंध आसन इम्पैक्टफुल करता है। आपका हार्ट, लंग, थायराइड तो बेहतर करेगा ही। आप इस स्थिति में देर तक रहें, आप चाहें तो ब्लॉक या बोलस्टर यानी ढोलक तकिया को नीचे लगा के इस स्थिति में वशिष्ठ प्राणायाम को करते रहें। धीरे से आप वापस आएंगे तो काउंटर आसन के तल पर आप अपान आसन करेंगे। ये भी आसन अपान नाम से जाहिर है, अपान वायु को एक्टिवेट करेगा। तो ये पहला आसन है जिसको करना है आपको, सबसे इम्पैक्टफुल होने वाला है विपरीत करनी। विपरीत करनी का प्रयास ही रहेगा कि ब्लड के सर्कुलेशन को हम इस एरिया में जो अपान वायु का है उसको कैसे पहुंचाएं ताकि अपान संतुलित हो और यौन जनित गुप्त रोग जो है वो समाप्त हो। क्योंकि गुप्त रोग रहने से कई तरह के फ्रस्ट्रेशन आते हैं, वो फ्रस्ट्रेट ही नहीं करता है, रिलेशनशिप को भी डिस्टर्ब करता है, आपसी रिलेशनशिप को, और उसे एक अनैतिक प्रक्रिया को भी कभी कभी बल मिल जाता है। इसलिए इन तमाम चीजों को रोकना जरूरी है, और योग उस सामाजिक और व्यक्ति की व्यवस्था दोनों को सुचारू करेगा। पहले मैं इसको हटा देता हूं, आप मैट के पास आइए इस तरह से दीवार के साथ लगा के और हिप को सटा दीजिए ऐसे। अब यहां से हम धीरे धीरे पांव को ऊपर किए, आप देख पा रहे हैं स्थिति, दोनों पांव को, अगर किसी को लगे कि कमर में प्रेशर आ रहा है तो थोड़ा पीछे हट सकते हैं, और या इस तरह की चीजों का सपोर्ट देने से आपको और आसानी रहेगी। जैसे देखिए मैंने एक फोल्डेड ब्लैंकेट की तरह की चीजों का इस्तेमाल किया है, अब यहां पे आ गया, ये एक स्थिति है। अब इस स्थिति में अगर एक आसन को और आप जोड़ेंगे, पहले आप इसी स्थिति में 5 से 10 मिनट रह सकते हैं, यदि इसके लाभ को बढ़ाना चाहते हैं ताकि एक आसन में 3 तरह का लाभ मिले, तो आप इसको बद्ध कोण स्थिति में लाइए, अपने पांव को मिलाएं और शांत होकर हाथ पे इधर रख सकते हैं, या थोड़ा सा पांव को स्ट्रेच करने के लिए आप हाथ को इस तरह से, जैसे आप एक स्थिति में बद्धकोण स्थिति में बैठे हैं उसी स्थिति में रहें, तो ये आपके इस एरिया को स्ट्रेच कर रहा है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है, तो अपान वायु को एक्टिवेट करके पूरा यौन गुप्त रोग को नष्ट करेगा। आप इसमें 5 से 10 मिनट तक लगातार रहें। वही तो भी इस स्थिति में आपको लगेगा कि कंफर्टनेस अब देर तक नहीं है, तो पांव को धीरे से खोल करके आप विपरीत करनी का जो एक्चुअल पोजीशन है
उसमें शांति से पड़े रहें। इस बीच जो तीसरी स्थिति हुई कि हमें वशिष्ठ प्राणायाम करना, मैकेनिकल रहेंगे तो फायदा नहीं होगा, यानी शांति से रहना है और श्वास को लंबी गहरी करना है। तो यहाँ पे हर बार श्वास छोड़े वशिष्ठ प्राणायाम में, हम श्वास लेते हुए पेट फुलाते हैं बहुत धीरे धीरे, और जब हम श्वास छोड़े तो धीरे से श्वास छोड़ते हुए पेट को कॉन्ट्रैक्ट करें। आप भ्राम रिलीज श्वास छोड़ते हुए कर सकते हैं ज्यादा कनेक्शन के लिए, इस स्थिति में रहें। उसके बाद दोनों पांव को बेंड करें और 10 या 5 मिनट के बाद पूरी तरह करवट लेके लट जाएं दीवार से नीचे पांव कर लें, फिर बने रहें। इसी स्थिति में आपको देर तक लेटे रहना है और फिर जा करके आप उठें ताकि ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल स्थिति को प्राप्त हो जाए। संपूर्ण आसन का कोई विकल्प नहीं है, यौन रोग के लिए कंप्लीट सीक्वेंस भी बनाया है सपोर्टेड वाला, उसको आप जरूर करें। तो कहीं भी स्त्री पुरुष को समस्याएं हैं, गुप्त रोग हो या आप पैल्विक से रिगार्डिंग कोई भी, जैसे मेनस्ट्रल पीरियड में क्रैम्प हो, पेनफुल मेनस्ट्रल हो या सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन होता हो, इन तमाम चीज के लिए ये दोनों अभ्यास काफी असरदार है। नियमित कीजिए, अपने रिलेशनशिप को बेहतर रखिए और मर्यादित जीवन को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार।